लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बुरहानपुर में मानव सेवा संस्था द्वारा सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात नियम जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को समझाइश दी गई कि वे गाड़ी के कागजात, बीमा, स्वयं का लाइसेंस साथ में रखें। जिनके पास पूरे कागजात थे उन्हें संस्था द्वारा हेलमेट दिए गए। उक्त अवसर पर अध्यक्ष उषा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, MN पटेल, रजनी गट्टानी, अताउल्ला खान, प्रेमलता साखले, गणपत दास चौधरी, मंसूर सेवक यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार सहित कई यातायात जवान एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। 30वां यातायात सप्ताह बुरहानपुर मना रहा है और बुरहानपुर पुलिस ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ में ही NGO संस्था भी सभी लोग इसके में शामिल हैं। हेलमेट वितरण हमारा एक उद्देश्य है, क्या लोगों की सुरक्षा अच्छे से हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, NGO का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, समाज में प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं। पुलिस रोज चालान तो बनाती है यदि हेलमेट नहीं है तो हमने समथिंग न्यू करने का प्रयास किया है कि लोगों को हेलमेट वितरण कैसे कराया जा सकते हैं, उस तारतम्य में एक नया कदम था। आज यहाँ हमारे द्वारा मानव सेवा संस्थान NGO के माध्यम से ऐसे वाहन चालक जो अपने दस्तावेज कंप्लीट करते हैं वाहन के साथ में, किंतु हेलमेट अगर नहीं लगाए हुए हैं तो ऐसे वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किया गया और उन्हें ये समझाइश दी गई कि अब आप डॉक्यूमेंट तो कम्प्लीट रखते हैं, साथ में हेलमेट ज़रूर लगाएं। हेलमेट क्यों पहनाया गया? ये सुरक्षा के लिए, यातायात सुरक्षा के लिए। क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या थे? मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट सब पूरे कागज, RC कार्ड, लाइसेंस और इंश्योरेंस, टोटल सभी चीज़ें। क्या नहीं था आपके पास? सभी चीज़ें, हेलमेट नहीं था। फिर क्या हुआ, हेलमेट किसने दिया आपको? हेलमेट सेवा संस्था द्वारा, मानव सेवा संस्था द्वारा। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।